हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? और ये है, आज है सैटरडे, जब भी मैं शूट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। और ये कल शाम की क्लिप है, शाम की नहीं दोपहर की है। युवराज आ गया था नहा के आने के बाद इसको जैसे तैसे कपड़े पहनाए, और फिर साथ ही में इसकी दीदी भी आ गई स्कूल से। हाथ में इसी ने आते ही इन्होंने स्वीट खाई, और देखो देखी युवराज ने भी खाई। और बस फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम के बाद ये छत पे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं मम्मी को बच्चों के साथ भेज देती हूँ बाहर, ताकि बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और फिर मैं घर का काम कर लूँ। लेकिन मम्मी घर पे नहीं थे, मम्मी यानी कि मेरे सासू माँ। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत ही मुश्किल से काबू कर रखा था बच्चों को, और यहाँ पे एक दूसरे को डांट लगा रहे हैं। और नूर ने पहले डांटा था, तो युवराज ने रोने वाला मुंह बना लिया था। अभी युवराज डांट रहा है नूर को, और नूर एक्टिंग कर रही है और रोने वाला मुंह बनाने के लिए। तो बस गाइस, चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो उसके बाद ये जंपिंग वगैरह बहुत कर रहे थे, ये चारपाई होती है ना जो, उसके ऊपर। एक्चुअली ये जंपिंग करने का रीज़न भी था कोई। तो फिर इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं लिया। अभी मैं आपको मिलूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे सैटरडे को। सैटरडे को ये सुबह के टाइम चाय बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए, और घर हमारा काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मे बी जल्दी ही हमारा घर कंप्लीट हो जाए और हम अपने घर पे जाएं। तो फिर यहाँ पे ये भी वैसे अपना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बना रहे हैं सेपरेटली, तो अभी वही अपना है। तो फिर इस यहाँ पे चाय वगैरह दे करके मिस्त्रियों को बाकी काम साथ ही साथ चल रहा है। और यहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट करने से पहले, ब्रेकफास्ट के अलावा, पहले मैंने सोचा चलो युवराज को नहला देती हूँ। और नहलाने के बाद आई थी मैं नीचे, अभी इसने कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं। कपड़े पहनाने में थोड़ी सी करेगा ये एक्टिंग, और साथ में कोई चीज़ ही खा रहा है ये। तो आज मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिनों से ना जो फ्रिज काफ़ी मैसी हो रखा था, काफ़ी दिन हो गए मेरे को क्लीनिंग किए हुए। तो वैसे तो मेरी फ्रिज इतनी गंदी होती नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा मटेरियल खाने पीने वाला इसमें रखती नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हस्बैंड बिल्कुल ये समझते हैं कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ जो 3 दिन से ज़्यादा पड़ी हुई है, वो समझो बीमारी का, मौत का जो है रास्ता है। मेरे हस्बैंड का तो सीधे सीधे यही कहना है, क्योंकि कई होता है ना फ्रिज में कई तरह के टमाटो सॉस वगैरह रखे होते हैं, कुछ भी स्टोरेज करके रखा होता है ताकि हम लॉन्ग टाइम खाते रहें। और ये पेन है ना, ये पेन मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, और मेरे को पता था कि मेरे पास एक पेन तो है, और पेन से मेरे को काम भी था कोई, तो ढूंढ रही थी। तो अभी आज मिला मेरे को, ये फ्रिज में बच्चों ने रख दिया होगा, ये युवराज का ही काम होगा। और देखिए फ्रिज काफ़ी यहाँ से गंदा लग रहा है मेरे को, और यहाँ तो बिल्कुल ही भूख काफ़ी आ रखा है, जैसे कि क्या हो गया है, डस्टबिन ही बना हुआ है। हालांकि मैं इतनी चीज़ें भी इसमें नहीं रखती हूँ, अगर रखती होती ना तो फ्रिज को जो डेली क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे युवराज खुश हो रहा है क्या देख के, ये देख के, जब भी ये सीन आता है ना उसके पास, उसके सामने जहाँ पे मैं और इसके पापा हों, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो ये मिर्चे हैं, और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन, तो एक हाथ से शूटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मेरे को, देखने में शायद ना लगा हो। तो ये मिर्चें जो है साफ साफ मैं कलेक्ट कर लूँगी, और यहाँ पे लिड वाले जो कंटेनर हैं उसमें सभी चीज़ें स्टोरेज करके रखूँगी, और ताकि जो है फ्रिज में ज़्यादा मैसी वैसी सा ना लगे। तो ये मिर्चें मैंने रख दी इसमें, और कोने में पड़े हुए थे नींबू, जो एक लिफाफा पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, मैं देखा उसमें, तो उसमें ये नींबू पड़े हुए थे। लिफाफे में इसलिए रखे हैं ताकि ये सूखे ना, अदरवाइज़ ये फ्रिज में सूख जाते हैं। तो इसको भी मैं लिड वाले कंटेनर में रख दूँगी। और फिर जो चॉकलेट्स हैं वो भी पड़ी हुई थी यहाँ वहाँ, और बच्चे जो है उनकी बहुत फेवरेट है, ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर उन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो इस वजह से मैं ये इस कंटेनर में रख रही हूँ, जहाँ की इनकी नज़र भी ना पड़े और चॉकलेट्स मेल्ट भी ना हो। और फिर मैं ये फ्रिज के जो बॉडी पार्ट्स हैं, पहले मैं उनको सेपरेट कर लूँगी, निकाल लूँगी, और इसको डायरेक्ट जो है रनिंग वाटर में अच्छे से सर्फ लगा के वॉश कर लूँगी, और फिर इनको ड्राई कर लूँगी। ऐसे कई लोग करते हैं ना कि एक
सब कुछ, सब बॉडी पार्ट बीच में ही रहने देते हैं और क्लीन करते हैं, वो बहुत ही टफ हो जाता है। कोने में से गंदगी निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इससे बेटर आइडिया, बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि आप पहले फ्रिज के जो पार्ट निकल सकते हैं उनको निकालिए, और निकालने के बाद उनको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद उनको हल्का सा एयर ड्राई होने दीजिए, और बाद में उनको लगा लीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इससे फ्रिज भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। और फिर बाद में जब ऐसे हो जाती है फ्रिज, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। जब तक मेरे जो बॉडी पार्ट्स जो फ्रिज के सूख रहे हैं, तब तक मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। और चाय पीते पीते ही जो मेरे फ्रिज के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्लीन हो गए थे। और युवराज भी बीच बीच में अपनी दखलंदाजी कर रहा है। ये देखिए, फ्रिज मेरी एकदम हो गई है क्लीन। यहाँ पे अभी मैं जो बॉडी पार्ट्स इसके मैंने वॉश किए थे, वो मैं एक एक करके इसमें अरेंज कर दूँगी। और देखिए आप, और युवराज साथ साथ में वो खेल रहा है। उसको मैंने काफ़ी सारा सामान जो है बेड पे बिखेर के दिया हुआ है, ताकि वो सभी सामान के साथ थोड़ा सा अंगेज रहे और मेरे को तंग ना करे ये काम करते हुए। और काफ़ी सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके वो बैठा हुआ है, और नहा उसने लिया है, और कपड़े पहनाने में उसने टाइम लगाना होता है। इस वजह से मैं इतनी ट्राई करती भी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। उतने में मैं धीरे धीरे वो खुद ही पहन लेता है, लेकिन खुद ही मतलब मेरे को बोलता है कि पहना दो, अदरवाइज़ मैं कहूँगी तो वो नहीं पहनेगा। तो इससे अच्छा है कोई और काम कर लो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके बॉडी पार्ट्स अरेंज कर दिए हैं, और बाकी की जो फेंकने वाला सामान है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पे ये एक लिड वाला जो है कंटेनर इसने पकड़ा, और बोल रहा है कि मम्मी खोल दो, तो मैं खोल के दे रही हूँ। साथ साथ में उसको भी देखना है, ताकि वो बिल्कुल, अगर इसको इसका मनचाहा काम ना करके दूँगी ना, तो फिर ये परेशान करेगा। और यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ, और बीच बीच में बेड में से उतर के वो देख रहा था कि क्या कर रही है मेरी मम्मा। तो बस गाइस, चैनल मेरे हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक कर देना। ये मेरा जो कंपलसरी डायलॉग है, जो पूरे वीडियो में बोलना ही होता है एक बार, तो वॉइस ओवर करने का मेरे को बहुत ही झंझट रहता है, क्योंकि आसपास बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत बजता है, फ़ैन वगैरह ऑन होते हैं। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट बॉक्स रख दिया है, और साथ में ये मिर्चों का बॉक्स है, और साथ में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी वो लेफ्ट ओवर सुबह सुबह की है जो, वो मैं इसमें रख दूँगी। और अभी बस इसमें सभी जो चीज़ें हैं अरेंज करके रख दूँगी, और आज की जो मेरी क्लीनिंग है वो हो जाएगी कम्प्लीट। और ये दूध वाले बर्तन है, और चावल वाला, और वगैरह वगैरह। और ये जो बुक्स है ना, ये कंपलसरी है नूर की। वैसे तो पूरी ट्रॉली है बुक्स की, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी में ढूँढनी होती है नूर की बुक्स, तो जल्दी में सुबह सुबह नज़र नहीं पड़ते हैं, या कभी भी कोई भी काम होता है तो जल्दी जल्दी से मिलती नहीं है। तो जो नूर की जो ये पुरानी है, ये ख़त्म हो चुकी है, टेस्ट कॉपीज़ हैं वो है, और बुक्स हैं वो मैं सामने ही रखती हूँ, ताकि मैं ईजिली मेरे को मिल सकें। क्योंकि अदरवाइज़ सारे बर्तन में ना, सॉरी बर्तन नहीं, सारी बुक्स में से ना दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक और बर्तन युवराज खोल के देने के लिए बोल रहा था, और साथ में खेल रहा है। और देखिए ये कितना कुछ फैला रखा है उसने, मैंने ही फैला रखा है, ताकि ये चीज़ों के साथ खेले। और पीछे जो मिर्चें ख़राब हो चुकी हैं वो मैंने रखी हुई थी। तो ये बॉटल है रूह अफ़ज़ा की, शरबत है कि है ना जो, तो लास्ट में रह गई थी पीछे, तो इसको भी मैंने अरेंज कर दिया। और इसी के साथ मेरी क्लीनिंग कम्प्लीट होती है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।